गुजरात में वोटिंग का फाइनल राउंड और पहले मतदान फिर जलपान के नारे को साकार करते हुए सुबह सुबह पीएम मोदी अहमदाबाद के रानीपुर स्थित निशान पब्लिक स्कूल में वोटिंग के लिए हाजिर थे। लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी के लिए पीएम मोदी राजभवन से रानी के पोलिंग बूथ के लिए निकले तो रोड शो जैसा नजारा दिखने लगा। लोगों को पहले ही खबर लग चुकी थी कि पीएम मोदी सुबह 9 बजे मतदान करने वाले हैं। पीएम की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों किनारे लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा था। उत्साह में लोग पीएम मोदी की तरफ हाथ हिला रहे थे तो पीएम ने भी गाड़ी से हाथ हिलाकर जवाब दिया। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक पोलिंग बूथ से 100 मीटर के दायरे में वोटरों या राजनीतिक दलों की गाड़ी नहीं जा सकती, लिहाजा नियम का पालन करते हुए करीब 200 मीटर की दूरी पर पीएम मोदी अपनी गाड़ी से उतर गए और हाथ हिलाते हुए बूथ की तरफ पैदल चल पड़े। पूरा इलाका मोदी मोदी के नारे से गूंजने लगा। बूथ के बाहर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए स्थानीय बीजेपी उम्मीदवार हर्षद पटेल मौजूद थे। पीएम मोदी ने हर्षद पटेल के सिर पर प्यार से हाथ रखा और जीत का आशीर्वाद दिया। थोड़ी गुफ्तगु के बाद जनता की तरफ हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गए। पोलिंग बूथ पर बकायदा पीएम मोदी आम वोटरों के साथ कतार में खड़े हुए और अपनी बारी का धैर्य से इंतजार किया, लेकिन उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा और बारी जल्दी आ गई। वोटिंग करने के बाद पीएम मोदी अपने भाई सोमा मोदी के घर गए। भाई से मिलकर पीएम मोदी बाहर निकले तो मीडिया से संक्षिप्त बात की। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुजरात का चुनावी संग्राम बीजेपी के नाम करने के लिए पीएम मोदी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। वोटरों को लुभाने में वो कितने कामयाब रहे इसका नतीजा 8 दिसंबर को आएगा। तब तक दिल थाम कर इंतजार कीजिए। गोपी घांगर के साथ हिमांशु मिश्रा, अहमदाबाद आज तक।